बॉलीवुड के शहंशाह और बिग बी अमिताभ बच्चन कुछ दिनों पहले अचानक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, जिससे बॉलीवुड से लेकर हर फैंस की सांसें थम गई थी। हर कोई जानना चाहता है कि बिग बी को आखिर क्या हुआ था और वो क्यों अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अब अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब बिग बी अच्छे स्वास्थ्य के साथ अस्पताल से बाहर आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन को बीते मंगलवार के दिन आधी रात को मुंबई के नानावटी अस्पताल में गुपचुप भर्ती करवाया गया था। बिग बी के हॉस्पिटल पहुंचने का कारण क्या था, इस बात से तो हर कोई फिलहाल अनजान है। बीते दिन शुक्रवार रात करीब 9 बजे अमिताभ को हॉस्पिटल से बाहर निकलते स्पॉट किया गया। अमिताभ को हॉस्पिटल से लेने के लिए पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन भी पहुंचे। अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर जया के साथ बैठे हुए थे और अभिषेक फ्रंट सीट पर थे। खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में केवल अपनी रूटीन चेकअप करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बात से अब तक कोई वाकिफ नहीं है। हॉस्पिटल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए निकलने के बाद उम्मीद है कि बिग बी खुद ही अपने फैंस को इस बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि अमिताभ बच्चन का यूं हॉस्पिटल जाना पहले से ही तय था। शायद यही कारण है कि अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जा रहे शो की शूटिंग कुछ दिनों के लिए पहले ही रुकवा दी गई थी। बताया जा रहा है कि अमिताभ अगले मंगलवार से शो की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे। खबरों की माने तो अस्पताल से एक सोर्स की खबर सामने आई है कि अमिताभ पूरी तरह ठीक है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि बिग बी अस्पताल केवल रेगुलर चेकअप के लिए ही गए थे। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।